दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आपके लिए एक नए और बहुत ही अनोखे सवाल का जवाब खोज कर लाया हूं। जी हां दोस्तों, आप सब ट्रैक्टर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हमारे किसान भाइयों की खेती में मदद करने वाला सबसे जरूरी यंत्र है, वाहन है। और आज मैं इस ट्रैक्टर की एक खास बात को लेकर आपके सामने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर के आगे के पहिए छोटे और कम चौड़े यानी पतले होते हैं, वहीं ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी उठा है और आपको ये जानने में दिलचस्पी है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। इससे पहले कि हम इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोद कर निकालें, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। हाँ तो दोस्तों, फिलहाल मार्केट में ज्यादातर ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव में उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ पर टू व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि जहाँ दो पहिए पावर लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, यानी इंजन की पावर अगर दो पहियों से लगाई जाए तो टू व्हील ड्राइव और चार पहियों से लगाई जाए तो फोर व्हील ड्राइव होता है। हाँ तो आप जानते ही हैं कि ज्यादातर ट्रैक्टर में आगे के पहिए छोटे होते हैं और पीछे के पहिए बड़े होते हैं। आगे के छोटे पहिए स्टीयरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और पीछे के पहिए पावर लगाने में सबसे बेहतरीन होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के लिए दोनों ही पहिए बहुत जरूरी होते हैं। इन दोनों तरह के टायर का कॉम्बिनेशन ही एक ट्रैक्टर को सफल बनाता है, और ये कैसे होता है यही मैं आपको इस वीडियो में आज बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्रैक्टर के पिछले पहियों की जानकारी आपको देता हूँ। ट्रैक्टर के पिछले पहिए रिंग के आकार के होते हैं, जो अलग अलग ट्रैक्टर में अलग अलग साइज और चौड़ाई के होते हैं। ये इस तरह से बने होते हैं कि ये ट्रैक्टर के वजन को अपनी धुरी से जमीन पर अच्छी तरह से ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही ये पहिए जमीन पर कर्षण यानी कि ट्रैक्शन पैदा करने की भी शानदार क्षमता रखते हैं, जिससे ट्रैक्टर इन बड़े और चौड़े टायर के जरिए इंजन की पूरी पावर इस्तेमाल करके काम को आसान बना देता है। दोस्तों, पिछले टायर की ही जैसे ही ट्रैक्टर का बैलेंस शानदार हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1892 में एक अमेरिकी जॉन फ्रॉलिच ने दुनिया के पहले पेट्रोल से चलने वाले ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से ट्रैक्टर के अगले टायर छोटे पतले और पिछले टायर बड़े और चौड़े होते हैं। पहली वजह होती है बेहतर ग्रिप। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी कार कीचड़ वाली मिट्टी में आसानी से फिसल जाती है, क्योंकि उसके टायर छोटे और पतले होते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर आसानी से ऐसे रास्तों पर वजन लेकर भी हंसी खुशी दौड़ा चलाता है। ऐसा होता है ट्रैक्टर के पिछले बड़े और चौड़े टायर की वजह से, क्योंकि उनमें ट्रैक्शन ज्यादा होता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है स्टीयरिंग व्हील। जी हाँ दोस्तों, अगले छोटे और पतले टायर की वजह से ही ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस जबरदस्त होता है और ट्रैक्टर आसानी से शार्प टर्न ले सकता है, और यही खासियत खेत की जुताई में ट्रैक्टर को चैंपियन बनाती है। तीसरी बड़ी वजह होती है विजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगले छोटे पतले पहिए ड्राइवर को ट्रैक्टर चलाने में आसानी देते हैं, और इन छोटे पहियों की वजह से ही ड्राइवर देख पाता है कि टायर किस जगह चल रहा है। एक एक इंच कंट्रोल हो जाता है अगले पहियों के छोटे होने की वजह से। चौथी वजह होती है कीमत। दोस्तों, अगले टायर छोटे होते हैं और जल्दी घिसते हैं, लेकिन सस्ते भी होते हैं। वहीं पिछला टायर महंगा होता है लेकिन जल्दी घिसता नहीं है, तो कीमत के लिहाज से भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। पांचवी बड़ी वजह होती है वेट मैनेजमेंट। दोस्तों, ट्रैक्टर का अगला एक्सल ऊंचाई पर होता है, इसलिए ट्रैक्टर के पिछले भारी पहिए बढ़िया जोर लगा पाते हैं, और ट्रैक्टर का अगला एक्सल जितना ऊंचा उठता जाएगा ट्रैक्टर उतना बढ़िया तरीके से जोर लगा पाता है। छठवीं वजह होती है मिट्टी की रक्षा। दोस्तों, ट्रैक्टर के पिछले चौड़े टायर जल्दी से जुताई के बाद भी जमीन में धंसते नहीं हैं, जिस वजह से जुता हुआ या बीज बुआ हुआ जो खेत होता है उसमें अगर ट्रैक्टर चल पड़ता है आसानी से, तो उसके जो पिछले टायर हैं वो जमीन में धंसते नहीं हैं, जिसकी वजह से जमीन खराब नहीं होती। जिस जगह आपने बीज बो रखा है उस जगह से भी जमीन नीचे नहीं धंसती है और खराब नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्रैक्टर के टायर साइज में अंतर की बारीक से बारीक जानकारी आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आपके पास भी खुद का ट्रैक्टर है तो वो कौन सा ट्रैक्टर है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी ही मिलता हूँ अगली किसी ऐसी ही अनोखी जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।